Hello friends, welcome to my channel. This side is Krishna Sharma. Friends, today we are going to discuss Edmund Spenser. जी हाँ friends, आज हम Edmund Spenser के बारे में बात करेंगे. तो शुरू करते हैं. दोस्तों, Edmund Spenser का जन्म हुआ था 1552 में और इनकी डेथ हुई थी 1599 में. तो इनका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क इस द शेपर्ड्स कैलेंडर फ्रेंड्स, ये 1579 में पब्लिश हुआ था और इस वर्क को इन्होंने डेडिकेट किया था फिलिप सिडनी के लिए. फिलिप सिडनी इनका फ्रेंड था और उसको इस वर्क को शेपर्ड्स कैलेंडर स्पेंसर ने फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया था. फ्रेंड्स, इस वर्क में शेपर्ड्स कैलेंडर में स्पेंसर ने वर्जिल की नकल करने की कोशिश की है. इट मीन्स ही इमिटेटेड वर्जिल इन शेपर्ड्स कैलेंडर. अब ये शेपर्ड्स कैलेंडर में है क्या फ्रेंड्स, इसमें 12 इक्लॉक्स हैं. 12 इक्लॉक्स की सीरीज है जो रिप्रेजेंट करते हैं 12 मंथ्स को, यानी 12 महीने जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. अब इक्लॉक्स क्या होते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स. इक्लॉक्स वर्जिल्स ने लिखे थे और उसी की कॉपी की है यहाँ पर शेपर्ड्स ने. इक्लॉक्स शॉर्ट पोएम होती है और मोस्टली पेस्टोरल डायलॉग्स होते हैं उसमें. पेस्टोरल्स के बारे में ज़्यादातर बातें की जाती हैं, शॉर्ट पोएम होती है तो उसे इक्लॉक्स बोलते हैं. इसमें जो भी 12 महीने में जो इकोलॉग्स लिखे हैं 12 स्पेंसर ने, वे सभी लाइफ और लव के बारे में बात करते हैं. तो इस तरह से ये शेपर्ड्स की पूरी जानकारी है जो नेट या सेट एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी जाने की संभावना रहती है. इसमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि शेपर्ड्स को लिखते समय स्पेंसर ने किसको कॉपी किया है. तो इसमें वर्जिल को और इकोलॉग्स क्या होते हैं और इकोलॉग्स को किसने लिखा था इन पास्ट. लेट्स टॉक अबाउट अनदर वर्क अमोरिटी. अमोरिटी क्या है, ये सोनेट सीक्वेंस है जो 1594 में लिखा गया था. इसमें 88 सोनेट लिखे थे स्पेंसर ने. नेक्स्ट वर्क की बात कर लेते हैं इपिथालमियन. ये 1595 में लिखा गया था और ये मैरिज सॉन्ग है जो इसने अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयले उनके लिए डेडिकेट किए हैं. बाद में स्पेंसर ने एलिजाबेथ बॉयले से शादी भी कर ली थी. तो एपिथालामियन में जो 1595 में पब्लिश हुआ था ये एक मैरिज सॉन्ग है और पूछा भी जा चुका है कई बार एग्जाम में. प्रोथालामियन ये एक वेडिंग सॉन्ग है, ये भी 1596 में लिखा गया था. लेकिन नोटेबल पॉइंट ये है यहाँ कि ये इन्होंने अपनी जो बिलव्ड थी एलिजाबेथ बॉयले उसकी या अपनी शादी में नहीं लिखा था. ये इन्होंने एक ड्यूक थे कोर्ट में उनकी बेटी की शादी में लिखा था ताकि ये कोर्ट में उस ड्यूक का फेवर पा सकें और कुछ अहम स्थान प्राप्त कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था. नेक्स्ट वर्क है एक व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड. ये एक प्रोज पैम्पलेट है जो 1596 में लिखी गई थी और काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी और ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है. ए व्यू ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड इन 1596. नेक्स्ट वर्क की बात कर लेते हैं एस्ट्रोफेल. फ्रेंड्स ये पेस्टोरल एलिजी है, ये फिलिप सिडनी जो इनका फ्रेंड था स्पेंसर का उनकी डेथ पर लिखी थी एस्ट्रोफेल. ए पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्क है कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, कई बार पूछा जा चुका है नेट एग्जाम में और पूरी संभावना रहती है इसको पूछे जाने की कि किसने लिखा था कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन. तो स्पेंसर इसके राइटर हैं. तो फ्रेंड्स ये स्पेंसर के जो चीफ वर्क थे उनके बारे में जानकारी थी. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडमन स्पेंसर की फेरी क्वीन के बारे में. तो तब तक बने रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. धन्यवाद.